नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो यह BTC का ऑफिशियल YouTube चैनल है, ठीक है दोस्तों। BTC का हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाली BTC की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तो हमारी अभी टेट की दो वीडियो आ चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप उस पर भी कंसंट्रेशन कीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे आपको हेल्प मिलेगी पेपर की तैयारी में, ठीक है दोस्तों। तो ये इस बार 2018 का आया वो प्रश्न पत्र है जो अभी 3 नवंबर को हुआ था पेपर आपका, ठीक है। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर इसका सोल्यूशन बनाए, तो इसका सोल्यूशन आ चुका है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला आंसर था बाइल लैंग्वेज मेथड, ठीक है। क्या आंसर था? इसका आंसर सी था। इसके होते ही हिंदी क्या होती है बताते हैं आप। तो दोस्तों बायलिंगुअल मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विभाषी विधि, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर ये था। तो आप डेफिनेटली अगर आपने सी क्वेश्चन टिक किया होगा तो आपका आंसर सही होगा। हाँ, अगर कुछ हमारे दोस्त थे जिनसे हमारी बात हुई तो वो बोल रहे थे उन्होंने ए क्वेश्चन को भी टिक किया है, तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है। तो इसमें जो हमें आंसर हमने देखा है तो इसका बायलिंगुअल मेथड ही परफेक्ट लग रहा है, पर अगर किसी ने ट्रांसलेशन कम ग्रामर भी लिखा है तो ये भी सही हो सकता है कि, लेकिन जो भी एग्जामिनर होगा, ठीक है, जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको जो आंसर सही लगेगा वही टिक, हो सकता है उसको ये वाला आंसर सही लगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बुक्स होती हैं जिसमें सभी आंसर अलग अलग दिए रहते हैं, तो वो पहले को भी सही बोल सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका परफेक्ट आंसर है वो सी आंसर है, ठीक है, और ए वाले बाइलेक्स सही हो सकता है, ठीक है। तो सही है, ये बाइलेक्स सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, ठीक है। तो उसमें हमें जो विकल्प में दिया गया था एक सेंटेंस पैटर्न था, एक शायद वर्ड पैटर्न भी दे रखा था, ठीक है। तो ये था ना सर, ठीक है दोस्तों। तो ये दो क्वेश्चन दे रखा था, एक वर्ड पैटर्न था एक सेंटेंस। तो बहुत से हमारे दोस्त बोल रहे थे बोथ होगा क्या इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो बहुत से लोग बोल रहे थे इसका आंसर बोथ होगा क्या सर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सीक्वेंस पैटर्न ही होगा, ठीक है। अगर बोथ वाली बात है तो वर्ड पैटर्न और सीक्वेंस पैटर्न मिला के क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच बनता है? तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच की रियल मीनिंग है तो वो रियल में ये आता है, ग्रुपिंग होता है, सिक्वेंसिंग होता है, सेंटेंस पैटर्न एंड फ्रेज पैटर्न, ठीक है। ये पूरे आंसर स्ट्रक्चरल अप्रोच के ही हैं, ठीक है। तो ये चार मेथड इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वर्ड पैटर्न क्या है उसको हमें डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों पूरा गेम आपके एग्जामिनर पर होगा कि वो विकल्प सी सही करेगा या सिर्फ सीक्वेंस पैटर्न को सही करेगा या तो ए। ए का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि सही होने का, ठीक है। तो वर्ड पैटर्न तो अकेले तो नहीं सही हो सकता ये, ठीक है। या तो ये सही हो सकता है या तो हमारा सेंटेंस पैटर्न सही होगा, ठीक है। तो हमारे जितने भी टॉपर दोस्त थे हमारे साथ के बंदे थे उन्होंने मैक्सिमम ने ये क्वेश्चन टिक किया सी वाला, और कुछ ने हमारे दोस्त बहुत टिक किए। आई होप जिसका सही हो, ठीक है। अब कमेंट करके दोस्तों बताइएगा दोस्तों कि आपने क्या टिक किया था, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा द ओरिजिन ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज, ठीक है। इसमें भी बहुत सी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, बहुत से लोग हमें बताएंगे इसका आंसर सर फ्रांस होगा, ठीक है, और हमारे बहुत से दोस्त बताते हैं इसका आंसर इंग्लैंड होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपने फ्रांस भी हमें प्रूव कराया और कुछ हमारे दोस्त इंग्लैंड भी प्रूव करा चुके हैं इसे, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप ये बताइए। तो इसमें भी पूरा गेम एग्जामिनर के हाथ में होगा, वो क्या टिक करेगा सही होगा, ठीक है। तो आपको हम प्रूव कर सकते हैं कि इंग्लैंड कैसे सही होगा, एक बार जरा ये देख लीजिए दोस्तों। तो ये इंसाइक्लोपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ डायरेक्ट मेथड के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर ये लिखा था, ये लाइन जरा ध्यान से देखिएगा जो हाईलाइट कर रहे हैं, इट वाज एस्टेब्लिश इन इंग्लैंड अराउंड 19, ठीक है। तो जिसको बायलिंगुअल मेथड एंड ये कहा जाता था डायरेक्ट मेथड ये दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये हाईलाइट्स वाली लाइन पढ़ ली होगी, ठीक है। तो जिसमें क्लियरली लिखा है कि डायरेक्ट मेथड था ये इंग्लैंड से आई है, ठीक है, एस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। और हमारे बहुत से दोस्तों ने इसको फ्रांस भी बोला है, ठीक है। तो दोस्तों आप पर है डिपेंड कि आपने क्या टिक किया है, ठीक है दोस्तों। तो हमने जैसे देख लिया कि इसका आंसर
वहां पर इंग्लैंड शो हो रहा था कि डायरेक्ट मेथड यहाँ बना है, ठीक है। और बहुत से हमारे दोस्त ने बताया फ्रांस, तो होती है कभी कभी बुक्स में कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी कभी हमने देखा है कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं दो डिफरेंट बुक में, तो आप किस बुक को सही कहेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपने इंग्लैंड भी सही किया है तो भी आपका क्वेश्चन सही है, फ्रांस किया है तो भी सही है, आंसर जो आएगा रिजल्ट आप देख सकते हैं, जिसके नंबर ज्यादा है उसी का क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो हम तो भाई टॉपर्स लोग हैं, तो आपको सही चीज बताएंगे, कि नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि सर आपने ये बोला था इंग्लैंड बोला था फ्रांस सही हो गया, या फ्रांस बोला था इंग्लैंड सही हो गया, आपने हमें गलत बताया। तो हमने आपको भाई फैक्ट बताया कि इसमें क्या सही होगा, ठीक है। तो आपके ये किस्मत पर रहेगा कि आपको एग्जामिनर किस पर आपको जज करेगा और कैसे नंबर देगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था वो अब भी हम बोलेंगे, तो इसका आंसर सही था यही इंग्लैंड, ठीक है। देखिए आप लोग को दिखा दिया है, अगर आपको इंसाइक्लोपीडिया पर अभी भरोसा ना हो तो आप फिर से जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, ये गूगल की वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, एजुकेशन की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम अब भी गलत हैं तो आप मुझे फिर से स्क्रीनशॉट या कुछ भेजिएगा, ठीक है, तो आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन ये आया था कि एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, तो इसका जो सही आंसर था सिंपल सा था डिफरेंटियली, ठीक है। तो एक आंसर था डिफरेंट, तो ये तो एडजेक्टिव ही है, तो एक डिफरेंटली था, ठीक है, डिफरेंटली तो ये एक एडवर्ब है, ठीक है हमारा, तो डिफरेंटली क्या हमारा एक एडवर्ब है, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफर हो रहा है एडजेक्टिव से, तो इसका आंसर सिंपल था जिन्होंने डिफरेंटली किया होगा उसका सही रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं और ढेर सारे, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर था, अगर डिफरेंटनेस होता ये तो नाउन हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट का एग्जेक्टिव, तो इसका सही आंसर ये था आपका डिफरेंटली, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट आर वन द टू प्रोडक्टिव स्किल, तो दो प्रोडक्टिव स्किल पूछा था, तो इसका सिंपल था आंसर था स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इन्होंने ये टिक किया होगा, पूरे नंबर उनको मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही आंसर है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो कुछ और आपको दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये देखिए आप जरा, ठीक है, ये पढ़ लीजिए थोड़ी सी बार, द प्रोडक्टिविटी स्किल्स स्पीकिंग एंड राइटिंग ये, ठीक है। तो इसकी स्किल तो ये होती है बिकॉज लर्नर्स डूइंग दीज नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज, जो हमारे लर्नर्स होते हैं सीखने वाले होते हैं उनको एक लैंग्वेज की प्रोड्यूस करना होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज द एक्टिव स्किल, ठीक है। ये हमें एक्टिव स्किल्स के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है दोस्तों, किसके रूप में, एक्टिव स्किल्स। दे कैन बी कंपेयर्ड विद द रेसिपिटरी स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। जो ये होता है ये क्या चीज है, ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है ग्रहणशील, मतलब ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना, कोई चीज सीख लेना, अगर हम आपको जैसे ये सिखा रहे हैं अगर आप ये सीख गए तो इसको ही कहते हैं ग्रहणशील, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, अगर किसी ने ये क्वेश्चन टिक किया है कि स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, ये भी आपके विकल्प में दे रखा था, ठीक है, तो उसका क्या सही होगा या नहीं, ठीक है। तो जो प्रोडक्टिविटी स्किल है वो तो ये स्पीकिंग एंड राइटिंग ही है, अगर आपका एग्जामिनर अच्छा हुआ, अगर आपको नंबर देना चाहेगा तो डेफिनेटली वो लिसनिंग एंड रीडिंग वालों को भी नंबर देगा, तो दोस्तों ये आपके लक पर रहेगा कि आपको नंबर इसमें मिलेगा कि नहीं, ठीक है। पहले पांच क्वेश्चन पांच नंबर, ठीक है, आसान से क्वेश्चन से पांचों, और सभी के मेरे हिसाब से सभी के पांचों नंबर अभी आ रहे होंगे अभी तक के, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पहले पांच नंबर सबके कंफर्म, ठीक है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो दोस्तों सिक्स नंबर क्वेश्चन में ये था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो ये हमारा दे रखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, तो इसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना था, ठीक है। तो इसमें ये हमें किसमें दे रखा था लिख लेते हैं, वह PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस US, ठीक है, टेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा था, तो हमें प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में हमें बदलना था, ठीक है। तो
यहाँ हैज बिन होती तो इसकी सहायक क्रिया होती वाज, ठीक है, यहाँ से वाज हो जाता है रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बस इतना करना था, एक नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। 6 नंबर ये क्वेश्चन था, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये इसका आंसर था। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन ये आया था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना था। क्वेश्चन क्या था, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में बदलने पर ये आएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको चलिए समझाने के लिए हमने पूरा स्टेप लिख दिया कैसे क्या हुआ था। जैसे क्वेश्चन था आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या था आई, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था लेटर, और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं कर्ता, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ भूलना नहीं है कि कैसे कैसे होता है, तो आपको जैसे पढ़ाएगा वैसे आप इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद पोजीशन चेंज की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो प्रोनाउन होता है, आई का मी होता है, ही का हिम होता है, और सी का हर हो जाता है, ये सब तो पता है ना दोस्तों, जैसे सी लिखा होता तो इसका हर हो जाता, ठीक है, ऐसे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आल्सो इंक्लूड बाई, ठीक है, आप एक एक स्टेप बढ़िया से आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं आता, अगर आपने इसमें गलती की हो, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में जो हमारा फाइनल बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको 7वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या था हमारा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था आई प्रेफर मिल्क टू टी, इसमें टू हो जाता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन से भी कभी कभी हम अंदाजा लगा देते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आई प्रेफर मिल्क टू टी, सिंपल सा आंसर था, आई होप सभी ने कर लिया होगा। तो 9वां क्वेश्चन देखे, तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन भी यही था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, तो ही कांग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सिंपल था, ही कांग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस, यहाँ हो जाएगा सिर्फ फॉर, ठीक है, इतना करना था हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़िया, तो इसको रंग रंग के ऐसे करे होंगे तो आपको बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी देखा था बीटीसी में जितनी अच्छी कॉपी लिखेंगे, राइटिंग अच्छी होगी, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसका आंसर सिंपल था, फॉर यहाँ पर लगा देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, सिर्फ ये फॉर के नंबर थे पूरे। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन, तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो इसका क्वेश्चन क्या था पहले, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, उसने मेहनत की उसके बावजूद भी वो फेल हो गया, ठीक है। तो इसका जो कंपाउंड भी हमने बना के देख लिया कि आपको समझ में आए, और कॉम्प्लेक्स तीनों बना दिया आपके लिए, ठीक है, तो आपको कभी कंफ्यूजन ना हो ऐसे वाक्यों में। तो कंपाउंड में इसका क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड स्टिल ही फेल, उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, ठीक है, कंजक्शन जुड़ता है कंपाउंड में हमारा, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स था वो आया था दो, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ठीक है, दो मतलब होता है हालांकि, इससे पहले आया था आल्दो, ठीक है, एक दो होता है, ठीक है, और एक होता है आल्दो, ठीक है, इसके माने होता है दोस्तों यार, पढ़ा होगा आपने यद्यपि, और इसके माने होता है हालांकि, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो हमें जो सही लगेगा वही यूज करेंगे, ठीक है, दोनों में वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो यूज किया हमने सेंटेंस के अनुसार। अब देखेंगे 11वां क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट में करिए, तो हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, और उसके लिए आपको एक नई वीडियो बनाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, हाईलाइट हो रहा होगा, उसमें हमें व्हाट्सएप करिए, ठीक है। तो अब देखते हैं 11 नंबर। तो दोस्तों 11 नंबर भी हमारे ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, इसको भी हमें कंप्लीट करना था। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू पास, ठीक है, तो इसमें हमें क्या बनना था, यू वुड हैव पास, ठीक है, बस इतना हमें भर देते, हमें पूरे नंबर मिल जाते इसके, यू वुड हैव पास, ठीक है। ये कैसे होती है इसकी, ये हैड यहाँ से देख के यहाँ से भरा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको हमें जल्दी से पेपर सोल्यूशन देना है, तो आपको हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप पूछेंगे, तो उसका अगली वीडियो बना के आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो 11 नंबर का आंसर यही था, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। ठीक है, अब 12 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन ये आया था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्वेश्चन क्या था, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले द टीचर आस्क द स्टूडेंट, बिकॉज ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कहता है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य वाला क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, OGATIVE, इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि SENT। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट, ये था हैव का हैड हो गया यहाँ पर, हैज और हैव का किस में चेंज करते हैं, दोनों का हम बदल के हैड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, एच ए डी हैड। ठीक है, दे हैड नॉट कंप्लीटेड दियर होमवर्क। तो दोस्तों 12 नंबर ये क्वेश्चन था, अब देखते हैं 13 नंबर। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन ये था, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड। ठीक है, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, तो पहला क्वेश्चन क्या था, डेट कैन नॉट बी कंकर्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनविनिसिबल मतलब अजेय, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। ठीक है, तो हमें पहले इसकी हिंदी आनी बहुत जरूरी है, तो वहां पर वैसे वाक्य बना लेते, तो हो सकता हो आपने सही किया हो, तो हो सकता हो आपकी अच्छी खासी रट्टा मार याद रही हो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, मतलब एक व्यक्ति ऋण चुकाने में असमर्थ है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या है, इंसोल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया। जैसे इस समय आपको पता होगा मुकेश अंबानी, सॉरी क्या नाम है उसका, विजय माल्या, जिसके सबके पैसे लेके भाग गया है। ठीक है, वो बड़े आदमी है, दिवालिया हो गया अपने आप को घोषित कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो बिलियनर्स हैं। ठीक है, बिलियनर्स मतलब 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी, जिनको उसको बिलियनर्स बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक व्यक्ति ऋण चुकाने में असमर्थ है। ठीक है, अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, तो 13 नंबर ये क्वेश्चन हो गया, आसान से थे। एक वीडियो में मैंने इन क्वेश्चन के सोल्यूशन बताए थे दोस्तों, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अच्छे से कनेक्ट रहिएगा, कि वहां भी हमारे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए काम के होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 14 नंबर। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस लिखा है इसको सही करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था एज सुन आई केम इट बिगेन्स टू रेन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा, एज सुन आई केम इट बिगेन टू रेन। ठीक है, तो इसका यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड फॉर्म हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, ये सेकंड अवस्था आ गई। ठीक है, तो इसका सिंपल था। तो दूसरा क्वेश्चन था द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्थियर देन दिल्ली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हेल्थियर माने क्या होता है, ये होता है स्वस्थ। ठीक है, तो हमें द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्थियर देन डेट ऑफ दिल्ली, इसका सही हो जाएगा देन डेट ऑफ। ठीक है, क्या सही होगा दोस्तों, देन डेट ऑफ, इसका सही आंसर इतना था। ठीक है, तो मतलब जो हमारे कश्मीर का क्लाइमेट है वो दिल्ली से ज्यादा स्वस्थ है रहने के लिए। ठीक है, तो इतने आसान से क्वेश्चन थे दोस्तों, तो इसको आप सभी ने आसानी से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करके या जो सही कर लिया होगा करेक्ट करेंटे, तो ये 2 नंबर का आपका था, पूरे 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं 15 नंबर। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन ये आया था कि राइट अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्ट हिम टू ग्रांट यू फी कंसेशन। ठीक है, आपको आपकी फीस में छूट लेने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल से एप्लीकेशन लिखना था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो आपको एप्लीकेशन तो आपने काफी लिखे होंगे, तो पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। ठीक है, फिर द प्रिंसिपल कॉलेज का अपने नाम, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो, जहाँ भी आप रहते हो। ठीक है, एड्रेस, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो नई दिल्ली, नोएडा या लखनऊ, जहाँ भी रहते हो। ठीक है, फिर स्टार्टिंग सर से करेंगे, तो स्टार्टिंग कैसे होगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम स्टडिंग, ठीक है, इन क्लास नेम,
हो सकता है आप लिख सकें बीटीसी फोर सेमेस्टर ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। आई पास विच क्लास एंड अचीव विच प्लेस एंड द सेक्शन, ठीक है। माई फादर इज अ गो सर्विस होल्डर, ठीक है दोस्तों। तो फादर जॉब पोजिशन जो आपके पिताजी काम कर रहे हो, ठीक है। माई अनदर टू सिस्टर आर स्टडिंग इन योर इंस्टीट्यूट, ठीक है। मेरी दो और बहन आपके कॉलेज में ही पढ़ रही हैं। इन दिस सिचुएशन ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे माई फीस, ठीक है। तो हमारे पापा या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इस सिचुएशन में नहीं कि हमारे पैसे भर सके, ठीक है। तो योर मोस्ट ओबीडियंटली अपने कॉलेज का नाम जहाँ भी पढ़ते हो, तो यहाँ फिलहाल हमारे बीटीसी चैनल का नाम लिखा डीएलएड यूपी बीटीसी मैथ इंग्लिश साइंस पाठशाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैथ की भी इंग्लिश की भी कौन कौन सी सब्जेक्ट की मिल रही है, मैथ इंग्लिश, ठीक है, और साइंस की, ठीक है। आपको तीन सब्जेक्ट की आपको बढ़िया से आपको सोल्यूशन मिला, ठीक है। आपकी मैथ की आ चुकी है, इंग्लिश की आज वीडियो बन गई है, आज अपलोड हो रही है, तो आप साइंस की आजकल में वीडियो इसकी भी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, ठीक है। अब देखते हैं 16 नंबर। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन ये था कि राइट अ कंपोजिशन और योर एम ऑफ लाइफ, ठीक है, अबाउट इन 30 वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। तो आपको अपने जीवन का एम लिखना है, ठीक है, योर एम ऑफ लाइफ, ठीक है। आपके जीवन का भी कुछ एम होगा ना, तो जैसे हमारा एम इस समय क्या चल रहा है कि माई एम इज टू बिकम अ प्राइमरी टीचर, ठीक है, हमें एक प्राइमरी का टीचर बनना है। आई वॉन्टेड टू हैव द पुअर स्टूडेंट, गरीब बच्चों की हमें सहायता करनी है। आई वॉन्टेड टू हैव एन ओन स्कूल, हमारा एक खुद का स्कूल हो। आई वॉन्टेड टू बी अ ट्रू टीचर, हमें एक सच्चा अध्यापक बनना है। दिस इज माई बेस्ट एम इन माई लाइफ टू हेल्प स्टूडेंट्स हु इज इन द प्रॉब्लम, जो मतलब गरीबी में हो, प्रॉब्लम समस्या में हो, ठीक है। तो टीचर इज ऑल्सो लाइक अवर गॉड, हमारे भगवान जैसा होता है टीचर। हम जैसे बच्चों को सीख देंगे वैसे ही वो बड़े होकर काम करेंगे, ठीक है। देयर फोर इट इज इम्परेटिव टू इंक्रीज द ओवरऑल नंबर ऑफ स्कूल, ठीक है। तो दोस्तों आपने 16वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा होगा, हमें विश्वास है। इसमें आपको पूरे दो में दो नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर जितने भी 16 नंबर क्वेश्चन को स्किप किया होगा, छोड़ा होगा, उसको काफी लॉस हो सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको हमेशा पास कराने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखते हैं 17 नंबर। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, 16 नंबर को मेरा बर्थडे होता है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो बढ़िया, तो हाईलाइट कर देते हैं, 16 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इस बार हम 21 इयर्स के हो रहे हैं, ठीक है। काफी लोग हमसे कमेंट करके पूछते रहते हैं या मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, आपकी एज कितनी है सर, तो बता दें 21 इयर्स के भी हम हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 21 साल के, ठीक है। तो आपको कैसे भी जैसी टीचिंग लग रही है दोस्तों, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अपनी टीचिंग को हम सुधारेंगे, अभी हमारी स्टार्टिंग है बस, तो आप जैसा कहेंगे वैसा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आज 17 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका 17 नंबर क्वेश्चन ये आया था कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो आइडियम्स का हिंदी होता मुहावरे और वाक्यांश फ्रेजेस का होता है, ठीक है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया था, नल एंड वाइड, इसका हिंदी होता अमान्य, तो इसका जो हो जाएगा आंसर इन इफेक्टिव। इसको बढ़िया अपने मन से सोच के भी बना सकते थे, इन इफेक्टिव मतलब अप्रभावी, जो इफेक्ट ही ना करे, ठीक है। तो दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है था दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, उतार चढ़ाव, तो इसका सही आंसर होगा उतार और चढ़ाव को, राइस एंड फॉल, उत्थान और पतन, ठीक है। राइस माने होता है कि बढ़ना भी होता है, ठीक है, राइस सन राइजिंग उगना, तुम्हारा उदय हो रहा, उत्थान और पतन, ठीक है। तो दोस्तों ये काफी आसान था क्वेश्चन आ गया था इस बार, ठीक है। नल्स एंड डाउन फिर से एक बार देख लेंगे, नल एंड वाइट का क्या लिखना था, इनइफेक्टिव, अप्स एंड डाउन का लिखना था राइस एंड फॉल, ठीक है। पूरे नंबर आपको दोनों में से दो नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है, पूरे नंबर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन ये आया था कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव, ठीक है। मतलब हमें इसको ऐसे चेंज करना था कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी हो जाइए और प्लस उसका मीनिंग ना बदले। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था हमारा,
एज सुन एज द बिल रैंग द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, जैसे ही बिल बजती तो लड़के भाई क्लास के बाहर आ जाते हैं दौड़ते हुए, ठीक है, दौड़ रहे हैं नहीं भी तो मुझे नहीं पता। तो इसका सही आंसर होगा नो सूनर, देखिए ये निगेटिव बन चुका है, डिड द बिल रिंग देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन था, तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे, इस बार पेपर आसान था, तो मुझे लगता है कि काफी बच्चों के इस बार 25 में 25 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी टॉपर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जरूर से जरूर अपने में और थोड़ा सुधार लें और स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, और मुझे एडवाइस प्लीज दें वो कि उनमें कॉन्फिडेंस और हम में कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे क्या एडवाइस दें, हमारे और जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को उनको एडवाइस दें कि कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, क्योंकि हम भी टॉपर्स ही हैं। तो ठीक है, सब मजा आई आज की वीडियो में, 18 क्वेश्चन दोस्तों थे, तो आपने हमसे कहा था वीडियो बनाने के, तो जैसे हमने प्रॉमिस किया था आज रात को ये वीडियो अपलोड की जाएगी, तो अभी कितना टाइम हो रहा है देखते हैं दोस्तों, बताते हैं अभी 1:29 हो रहा है, ठीक है, रात के 1:29 हो रहा है, ठीक है, इस समय आपकी वीडियो बन रही है 1:29, ठीक है, न्यू दिल्ली में इस समय हमें ये वीडियो नई दिल्ली से बन रही है, ठीक है। तो आप लोग को पहले से हैप्पी दिवाली, ठीक है, दिवाली आ गई ना, कल धनतेरस है शायद, हाँ दोस्तों कल धनतेरस है, तो हैप्पी दीपा वाली, ठीक है दोस्तों, तो सबके 25 नंबर आ रहे हैं भाई लोग, और नौकरी तो लगने वाली है, टेट की 2 वीडियो डाली है, अगर आप अभी तक आपने ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा भाई, उसको भी पास करना है ना, ये तो पास हो ही गए हैं, तो सोल्यूशन इसीलिए दे दिया गया कि आप लोग श्योर हो सके और दिवाली में पटाखे अधिक से अधिक दगाइएगा, ठीक है, थोड़ा पॉल्यूशन कम करिएगा लेकिन हाँ मजे से दगाइएगा पटाखे। जय हिंद जय भारत, ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं ना दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय, मिलते हैं।